नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेबी कुमारी। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। कानपुर कलेक्टरगंज पुलिस ने सोमवार दोपहर कोपरगंज स्थित एक होटल में छापा मारकर 10 प्रेमी जोड़ों को पकड़ा है। उन्होंने बिना आईडी पर कमरा लिया था। पुलिस ने युवकों के साथ ही होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। कलेक्टरगंज थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया, सोमवार दोपहर कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि कोपरगंज स्थित होटल में अवैध रूप से घंटों के हिसाब से प्रेमी युगलों को कमरा किराए पर दिया जाता है और उनसे कोई आईडी भी नहीं ली जाती है। सूचना पर कलेक्टरगंज स्पेशल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और होटल के रजिस्टर खंगाले। इसके बाद होटल के कमरों की तलाशी ली तो 10 कमरों में प्रेमी युगल पकड़े गए जो बिना आईडी पर रह रहे थे। इन लोगों की हुई गिरफ्तारी। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों में बर्रा अजरौली का प्रदीप कुमार, बाबूपुरवा निवासी मोहम्मद अहमद, शास्त्री नगर निवासी अमित वर्मा, परमत निवासी मृदुल कुमार, आवास विकास कल्याणपुर का रफत, इफ्तिखरबाद निवासी नुमान अंसारी, मंधना निवासी लक्ष्मीकांत, आगरा निवासी धर्मेंद्र, बेगमपुरवा निवासी शोएब, बगवाडोली निवासी फरजान शामिल है। उन सभी के खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्यवाही की गई है। साथ ही होटल मैनेजर जूही निवासी मयंक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। होटल के खिलाफ सराय एक्ट के तहत जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।